डकरा स्टेडियम में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रावण दहन देखने के लिए आसपास क्षेत्रों के हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची थी। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित इनके एरिया के महाप्रबंधक सुजीत कुमार, विशिष्ट अतिथि केडीएच परियोजना पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह, खलारी थाना के इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह, इंदिरा देवी तुरी ने संयुक्त रूप से रावण दहन किया। दशमी के शुभ अवसर पर समस्त खलारी वासियों को मैं अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। अंतरात्मा से इच्छा है कि समस्त खलारी वासी खुश रहे और सही रास्ते पर चले, ताकि यह पर्व हमें संदेश देता है कि सत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की और अहंकार पर स्वाभिमान के विजय का रास्ता दिखाता है। जिस तरह से दुर्गा माँ की शक्ति के चलते महिषासुर से राक्षस का विनाश हुआ, भगवान राम के हाथों से रावण का विनाश हुआ, यह हमें सिखाता है कि हमेशा सत्य पर चलिए, धर्म को अपनाइए और स्वाभिमानी रहिए। अपने सही रास्ता पर चलिएगा तो आपका विजय होगा। मैं समस्त खिलाड़ी वासियों से यह आशा रखता हूँ कि आप लोग ईमानदारी से सही से काम करिए और अपना, ताकि आप खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, समस्त खिलाड़ी वासी खुश रहे, देश खुश रहे, हमारा राज्य खुश रहे। धन्यवाद। आज दशहरा के पर्व पर रावण दहन का कार्यक्रम पूरी की बात यहाँ सम्पन्न हुआ। आज ऐसे जो हम लोगों का अशुभ है जो रावण का पर्व किया उसका विनाश हुआ, हम इस पर्व पर शुभकामनाएं देते हैं। आज दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा समिति डकरा इनके एरिया के द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है। ये विजयादशमी जो है तो असत्य पर सत्य की जीत है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, इसके लिए दशहरा पूजा मनाया जाता है। ये त्यौहार 1990 से ही ठाकुर भोला सिंह के द्वारा ये इसका शुरुआत किया गया था। वो भोला बाबू एक बहुत ही समाज कवि आदमी थे, वो भजन कीर्तन में हमेशा भक्ति में लगे रहते थे। उन्हीं का ही दिन है कि आज उनके परिवार के लोग, उनके लड़के लोग, उनके समाज के लोग मिलजुल कर रावण दहन कर रहा है। मैं चाहूँगा कि रावण दहन का मतलब है कि रावण दहन, राम ने रावण को मारा लेकिन राम ने रावण को नहीं मारा। मारने को रावण को तो बाली भी थे, वो कांख में टांग लिया करते थे। ये संदेश जाता है कि रावणी प्रवृत्ति को, जो बुरा खोल करके अच्छे प्रवृत्ति को जाना है, इसलिए रावण दहन का कार्यक्रम मनाते हैं कि असत्य से सत्य की जीत हो। धन्यवाद।